एक लीटर पूरा है देख सकते हो आप, एक लीटर की बोतल भी है ये, तो आप देख सकते हो चालू नहीं हुआ। तो एवरीवन BS6 में भी पेट्रोल डल रहा है, पेट्रोल तो जाने वाला है, थोड़ा सा ही बचा होगा। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं भाई अपनी बाइक का माइलेज टेस्ट करने। तो ये खड़ी है अपनी रेड बुल और ये आ गई लूसी, और अपन आप आज इसका माइलेज टेस्ट करेंगे जेन्युइन तरीके से। आपके सामने जो होगा सब दिखाया जाएगा, एक लीटर के पेट्रोल में कितना चलती है मेरी बाइक। अभी उसमें बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, मतलब पेट्रोल है कि इतना पेट्रोल पंप तक पहुँच जाए चौक पे। तो चलिए चलते हैं, और ये चेंज करवाना है मेरे को, ये बटन देखो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसको मारने से काम होता है अभी, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देते हैं। और आज जाऊँगा मैं बजाज के शोरूम, ये भी चेंज करवाऊँगा, क्योंकि भाई सबसे मेन दिक्कत हो अगर होती है ना गाड़ी में सही होती है, और गाड़ी इससे इसकी सारी सारी वायरिंग वगैरह ही खराब हो जाती है। तो चलिए चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। भोपाल का मौसम इस टाइम पे मतलब 3 दिन से डेली बारिश हो रही थी, और किस्मत से आज बारिश नहीं हो रही है। तो अपन आज अच्छे से रीलॉगिंग कर सकते हैं। तो हाई मेरे को इस बार इंतजार का, अगर आज बारिश आज तक छोड़ दिया तो आज की बात बात आप कर लो चले जाएगा। तो भी चलते हैं क्या पर और क्या मत से देखते हैं, मैं भाई का घर का वेट करते हैं, उसको पहले चारा चला दें, फिर अपन माले चेक करेंगे कि आगे से आएगा। और ऐसे उनके पास हमने सुबह ज़्यादा गलती से पेट्रोल डलवा लिया था, तो हम पूरी टंकी खाली कर रहे हैं, और एक एक लीटर की हमारे पास जो बॉटल है उससे हम ट्राई करने वाले हैं कि कितना पेट्रोल बचता है, कितना क्या बचता है। तो ये देखो निकाल रहे हैं, ये पाइप जुगाड़ से बनाई है हमने, यही की यही प्लास्टिक से काट के। ये देखो ये वायर वाली है जिसको मैंने बनाया है। तो अब यहाँ से पेट्रोल निकालते हैं, पहले पूरी टंकी खाली करते हैं। तो एवरीवन हमने इतना पेट्रोल निकाला, 5 मिनट से पेट्रोल निकाल रहे हैं, बहुत बूंद बूंद आ रहा है, और 2 लीटर पेट्रोल है उसमें, 2 लीटर की बॉटल भी। अब देखते हैं, अपने पास 1 लीटर वाली भी बॉटल है, तो आज अपन 1 लीटर वाली बॉटल पे माइलेज टेस्ट करेंगे, आपको फुला भर के दिखाएंगे और टंकी भी दिखाएंगे खाली हो गई कि नहीं हो गई, कितना से पेट्रोल नहीं छोड़ने वाले गाड़ी पे। तो स्टे ट्यून गाइस, कितना एवरेज देती है अपनी NS BS3 या NS BS6, दो गाड़ियों का एवरेज टेस्ट करने वाले हम। और ड्यूक भी अभी गई हुई है धुलने, तो ड्यूक का भी टेस्ट करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहे गाइस। और ये देखो 2 लीटर में थोड़ा सा लगता है भरने ही वाला है ये बहुत जल्द, और अपन 1 लीटर की बॉटल को फुल भरेंगे जैसे कि पेट्रोल पंप वाले देते हैं हल्का खाली करके, तो अपन वैसे ही टेस्ट करने वाले। वीडियो में एंड तक बने रहें एवरीवन, मिलते हैं पेट्रोल निकालने के बाद और 1 लीटर की बॉटल में डालने के बाद। पूरा इतना पेट्रोल निकला, 2 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल था अपने रेड बुल में। अब देखते थोड़ा चला के, जब तक बंद नहीं हो जाती तब तक चलाएंगे इसको, कितने किलोमीटर चलती है। गाड़ी चलाते हैं अब और देखते हैं, गाड़ी का पूरी तरह से पेट्रोल ख़त्म करते हैं, है ना। तो यार ये भी दिक्कत हो रहा है, मैंने आप चालू हो गई, तो चलिए पूरी तरह से पेट्रोल ख़त्म कर देते हैं अपनी बाइक का, और जहाँ बंद होने लगेगी वहाँ पे अपन 1 लीटर वाला पेट्रोल का डब्बा डाल लेंगे, 1 लीटर में देखेंगे कितना चलती है। ये जब पूरा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तब ट्रिप वन पे ट्रिप टू पे लगाएंगे, और कितना चला है मैं आपको मीटर भी दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हर्षित के पास, जब तक हल्का बहुत पेट्रोल बचा हुआ है। तो आप देख सकते हो गाइस, अभी भी मेरी बाइक चल रही है कार देख रहे पेट्रोल से। तो मान लो ये 31 दिख रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, देखते हैं कार लीटर के पेट्रोल में कितना चल जाती है अपनी बाइक। पर तो पहले ये चेक मारते हैं, चालू करके भी देख लेंगे कि आपको फेक ना लगे कितना एवरेज देती है अपनी रेड बुल। तो चलिए आने वाले हर्षित के पास, 31 पर यह भी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ, कार लीटर का पेट्रोल लीटर से कितनी चल जानी चाहिए बाइक, और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप तो कितना किलोमीटर चल सकते हो BS3 में या NS की किसी भी गाड़ी पे।
मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस अभी थोड़ा सा अच्छा हो गया तो एवरेज भी शायद अच्छे देने लगे। तो हम लोग इसमें जेन्युइन चीज़ें दिखाते हैं, अच्छे तो सामने ही होगा, वहाँ जाने का कोई मतलब है नहीं वैसे, बस गोल गोल राउंड मार लेते हैं, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाड़ी घूमने आई थी तो चलो ये तो खरीद ली आ रहे गोल गोल घुमा के, ये अपनी ड्यूक है। तो भाई अभी भी चालू हो रही है, मैं देख रहा हूँ भाई 1 किलोमीटर अभी तो नहीं चली कार्पोरेटर के पैसे में, जैसे चल जाएगी मैं आपको दिखा दूंगा। 31 पे ही और शायद 1 किलोमीटर चल जाए और भगाने में क्या हाल होगा इसका ये मेरे को नहीं पता, इसलिए मैं अभी बाहर इसको उसको हम अटैच करेंगे। तो माइलेज चेक करने के लिए खाली चल से जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसी ये वाली रोड तो पेट्रोल जा रहा है गाइस, अब झटके ले रही है गाड़ी, 1 किलोमीटर चल गई कार्पोरेटर के पेट्रोल में, टंकी सूख गई होगी तो अभी देखते कितना चल जाती है, मैक्स टू मैक्स कितना चली जाती है फिर भी ना। आप गाड़ी झटके ले रही गाइस और अपन अब पेट्रोल इस पर डालने वाले और पानी भी कितना लगा यार, धूपें आ रही है मेरे पास और मैं नहीं चाहता था कि आज के दिन ये बारिश हो, वरना मेरी पूरी वो बिगड़ जाएगी वीडियो बनाने की इच्छा ही मर जाती है बारिश में। और गाड़ी अब झटके लेना चालू हो गई गाइस, और अगर भगा देता हूँ ना तो गाड़ी धुक धुक करके रुक जाएगी, जैसे ये साइड के लेवल पर लगा तारे आते हैं यहाँ पे, तो गाड़ी झटके लेने लगी है गाड़ी, ये ले रही झटके। तो अपन अब पेट्रोल डाल लेंगे भाई क्योंकि अब झटके लेने लगे गाड़ी। हाँ अरे क्या है पेट्रोल अच्छा, तो आप देख सकते हो चालू नहीं हो रही है। अब अपन इसको डालेंगे पेट्रोल, तो 1 लीटर पूरा मिला लें, साइड हो जाए पहले ऊपर साइड पे डालेंगे बॉटल में आराम से। तो अपने बैग में रखा है अपना सामान, यहाँ पे बैठ जाते हैं फिर पेट्रोल डालते हैं। बस थोड़ा सा है तो पूरा का पूरा 1 लीटर हो गया है एवरीवन, 1 लीटर पेट्रोल अपन अपनी बाइक पे रेड बुल पे डालेंगे और ये जितना बचा है जब ख़त्म हो जाएगा तो अपन ये सारा डाल लेंगे, क्योंकि अपन को माइलेज तो पता चल ही जाएगा कि कितने मिली किलोमीटर चल गई है अपनी बाइक रेड बुल। 1 लीटर पूरा है देख सकते हो आप, 1 लीटर की बॉटल भी है देखो, ये 1 लीटर लिखा हुआ है। तो अपन इस पर हल्का पेट्रोल डालेंगे, बहुत सारी दिक्कतें हैं तो अपन इसको ऐसे खोलते हैं और देख सकते हो आप पूरी टंकी सूखी पड़ी है। अपन यहाँ पे पेट्रोल डालेंगे इसके, टेंशन मतलब यहाँ पे भी देखते तो पेट्रोल टंकी में ही नहीं जाता, मतलब बात करता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन प्रॉपर 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे गाइस, वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना आपको लगेगा कि फेक है, तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक देखें, देखते कितनी चलती है 1 लीटर में और कुछ देर खड़ी रहने में जैसे ही नीचे में पहुँचेगा टारगेट में पेट्रोल पहुँचेगा तो गाड़ी चालू जाएगी। दिक्कत ये अपना बहुत दिक्कत हो रहा है, रेडियो तो है बन पे 3 सेंटीमीटर चली, फिर 2 को अपन पूरा रिसेट कर देंगे, 1.8 किलोमीटर चल गई कार रेट से हो गया रिसेट गाइस। तो आप लोग देख सकते हो 0 पे है, 0.0 किलोमीटर साफ कर दूँ तो आप चालू करते हैं बाइक, तो आप चलते हैं। अब 1 लीटर पेट्रोल में अपनी रेड बुल कितनी चल जाती है अपन ये टेस्ट करते हैं और यहाँ से अपन वापस गैमल चलते हैं गाइस, और गैमल पे
साथ में चलेंगे क्योंकि दो गाड़ियाँ और आने वाली है, NS 200 BS6 भी आने वाली है और Duke 250 भी आने वाली है, तो शायद उन दोनों का भी माइलेज चेक हो। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पे आती रहती हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप में से कई ज़्यादा लोग ना बेल आइकन नहीं दबाते, तो बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है, तो आप बेल आइकन जरूर से दबा दिया करें वरना आपको ये वाली अपडेट्स नहीं मिलेंगी, इतनी अच्छी बढ़िया बढ़िया वीडियो आप मिस करते हैं। तो प्लीज़ बेल आइकन दबाएँ और एक लाइक और एक सब्सक्राइब अपने भाई की इतनी मेहनत के लिए कर ही सकते हैं आप लोग। और भाई करने के बाद देखो 500 मीटर चल चुकी है अपनी गाड़ी और ये सर्विसिंग का ऑयल का काटा भी लगभग होने लगा है, जबकि मैंने अब भी सर्विस करवाया, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी बाइक में, मेरे को ये दिखाता ही रहता है। भाई अपने GoPro में 80% भी बैटरी है, अभी ऐसे बन जाएगी वीडियो, लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप जैसा बोलें। तो 1 लीटर के पेट्रोल में हम लोग आज पूरा पूरा कवर करने वाले हैं कि 1 लीटर में कितनी चल जाती है और यहाँ के 10-20 राउंड मार लूँ कि नहीं मार लूँ, एक ही एक जगह के क्या लंबा टूर करूँ, तो आप लोग बताइए। माइलेज अच्छा निकालने के लिए आप इकोनॉमी में चलें क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर जाएंगे आप तो आपका गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खाएगी, इंजन पावर ज़्यादा खींचेगी, तो आप इकोनॉमी, अगर आपको एवरेज निकालना है बाइक का तो आप इकोनॉमी में ही चले बाइक को लेके, नहीं तो भाई फिर दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए आज अपन पूरा 3D वगैरह घूमेंगे, 1 लीटर के पेट्रोल में देखते हैं 26-37 चल जानी चाहिए मेरे हिसाब से, और नई वाली NS को देखते हैं वो तो 40-45 चल जाएगी, क्योंकि भाई नई NS BS6 में ना BS7 आ गया, वैसे तो BS6 का हम देखने वाले हैं माइलेज टेस्ट। तो अभी तो अपनी 2 किलोमीटर चल चुकी है गाइस, तो वहाँ तक पहुँचने वाले फैजान भाई लोगों का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइस 2.5 किलोमीटर चल चुके हैं 1 लीटर के पेट्रोल में और यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं। गाइस इसमें से भी पेट्रोल निकल रहा है, इसका भी माइलेज टेस्ट होने वाला है BS6 का और BS3 का, हम दोनों गाड़ियों का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। ये तो कुछ नहीं करता, ये तो नल्ला है, तो इसकी ड्यूक तो ऐसी ही खड़ी रहेगी, छोड़ो। तो आज अपन इसका माइलेज टेस्ट करने वाले हैं और BS3 का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। इससे 1 लीटर निकल गया है, इसकी टंकी खाली कर रहा है, जैसे मेरी गाड़ी का हुआ था। तो एवरीवन BS6 में भी पेट्रोल डल रहा है, पूरी टंकी खाली थी और स्टार्ट नहीं हो रही है। और हाय गाइस, यू आर फैन? यस ब्रो, फैन मोमेंट गाइस, फैन मोमेंट, ऐसा ऐसा ही बोल रहा है। सो गाइस अपना 1 लीटर का पूरा पेट्रोल डल चुका है, अपन राइड करते हैं, राइड स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम गवाए अपन चलते हैं और चलाते हैं 1 लीटर में कितना चलता है। अब चालू हो गई है एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हो, और ट्रिप पे सेट कर दो, ट्रिप पे सेट कर दो, कर दी ट्रिप 0 पे चले, अब लगा लो। सो गाइस अपन 2.5 किलोमीटर चला चुके हैं, अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से अपना ब्लॉग, और फैजान भाई भी अब आ चुके हैं। और गाइस अपना पीछे खिसक ना, अब अपने पास बहुत सारा पेट्रोल का स्टॉक है, सबकी गाड़ियों का पेट्रोल अपनी बैग में आ गया, तो अपन अब चुराते हैं पेट्रोल। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी, तो सबका माइलेज टेस्ट होने वाला है और अपन 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला चुके हैं और देखते हैं कितनी चलती है अपनी बाइक। अपन मिनिमम स्पीड में चलेंगे 50 और बीच बीच में स्पीड में भी देखेंगे कितना चलता है कितना नहीं चलता, और ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो तो इसीलिए हम आपको स्किप कर करके वीडियो दिखाएंगे। तो जहाँ तक है फैजान भाई मिनिमम में ही चलने वाले हैं, तो 50-60 उससे ऊपर नहीं चलेंगे, इकोनॉमी में ही चलना है। एवरीवन 2.6 किलोमीटर चल चुकी है, आप देख सकते हो 2.7 किलोमीटर और चलना भी नहीं है गाइस, और ये बहुत लंबा रूट है, आप कहीं बोर ना हो जाओ, तो मिलते हैं आगे। 3.2 किलोमीटर चल गई है अगला, और देखते हैं निकली करने कितना है माइलेज, तो आज प्रॉपर पता चल जाएगा कि कितनी गाड़ी की औकात है और कितनी गाड़ी अब दे देती है। चल गई गाड़ी, सो गाइस 4.6 किलोमीटर हो गए हैं और आप जैसे कि देख सकते हो 5 किलोमीटर 400 मीटर का मैं
तो गाइस सिग्नल तो बंद है, अपन भी चलते हैं। जाना भैया लग रहा है 5.3 एवरीवन 5.3 चल चुकी है। अब अपन इस वीडियो को टाइम लैप्स पे डाल देते हैं। सो एवरीवन 12.2 किलोमीटर चल चुकी है अपनी बाइक। गाइस 3 लोगों का माइलेज टेस्ट होने वाला है, 3 लोगों में कितना माइलेज देती है, और हम लोग धोखे ये वाला। सो गाइस 12.2 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी अपनी बाइक। फिर देखते हैं कितना सत्ती भाई आज तक तुम्हारा एस्टिमेटेड लगा है कि 17-19 ही चलती है, और पहले जो थी 29 का देती थी, और अभी देखते हैं कितने का दे रही है। जो फैजा भाई बोलते हैं काफ़ी टेस्ट कर लेंगे कि उनकी गाड़ी 19 का भी दे रही है, और मेरी गाड़ी का भी हो जाएगा कितने का एवरेज देती है। गाइस 15.1 किलोमीटर चल चुकी है, और देखते हैं 15 का मेरे को लग रहा था तो शायद थोड़ी और बचे, थोड़ा और पेट्रोल बचा होगा 1 लीटर में, तो देखते हैं कितना चलती है प्रॉपर 1 लीटर में। 15.300 मीटर चार हो गया, और मेरे को लग रहा था कि गाड़ी बंद होने वाली है, लेकिन 15 से ज़्यादा दे रही है शायद, तो अभी अपन चलाते हैं और चेक करते हैं। आप थोड़ी तेज भी भगा लेते हैं। तो तेज में भी देख लेते हैं कितना बचेगा कितना नहीं। चैनल मेरे भाई का, इनको सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करते हैं और एक इंस्टाग्रामर भी है, बहुत मेहनत करते हुए आ रहे हैं। चैनल भाई अपन कभी भी एक स्पीड पे नहीं चलाते, तो थोड़ा तेज धीमा ऐसे भी दिखाया करो। 17.4 हो गया है, तो गाइस 19.2 चली गई है, और हमारा ये भ्रम भी टूट चुका है कि 19 किलोमीटर का एवरेज है इसका, 1 लीटर में 19 किलोमीटर चलती है। तो अब देखते हैं कितना चलती है, क्योंकि अब तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब गाड़ी का पेट्रोल जाने वाला है, थोड़ा सा ही बचा होगा। 19.4 चल चुकी है भाई, और अभी देखते हैं कितना जाएगी। और ये देखो 19.5 है, और आप लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है भाई। ऐसी हरियाली आपको देखने के लिए मिलेगी, ये भी मतलब लाइट नहीं आए हैं, पता नहीं था जिस सब जगह पे आ जाएंगे चलते चलते, क्योंकि एक बार हम लोग यहाँ से शायद आ चुके हैं, हम आते हैं जब शुरू होते थे, हम लोग लाइट से लाइट पे इंदौर गए थे जब आज से शुरू। भाई 20 होने वाली है 200 मीटर में, 200 मीटर बाद। तो गाइस 20 किलोमीटर हो गई अपनी बाइक की माइलेज टेस्टिंग करते करते, और अब देखते हैं कितनी देर बाद खत्म होने ही वाला होगा। हमने को भरोसा हो रहा है, एनर्जी हो रहा है कि अब खत्म होने वाला होगा 20 किलोमीटर में 1 लीटर। और फैजान भाई आपकी कितनी चल गई? 17 किलोमीटर। तो मैडम मैंने तो तेज चालू किया था, 17 किलोमीटर का उसकी गाड़ी चल रही है। सो गाइस 24.2 किलोमीटर चल चुकी है, हमें भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारी बाइक इतना चल कैसे गई, और भाई बहुत अच्छी बात है। चलो बोलो। सो गाइस यहाँ से अपन वापस मोड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर आ गए हम लोग। अरे गोप्रो मतलब, और 24.5 चल गई है। फैजान भाई ये जितना लग रहा था आगे कितनी चल गई? 23 चल गई, मतलब 22 चल गई होगी, है ना? तो अपन अब भगाते हैं। चलो नहीं
प्रॉपर एकदम भाई का एकदम प्रॉपर वाला कहना है। मेरा कहना है कि थोड़ा तेज और थोड़े धीमे भी पता चल जाएगी गाड़ी, क्योंकि हमेशा अगर आपको चेक भी करना है ना तो आप एक स्पीड में तो चलाओगे नहीं, मेरा ये कहना है। लेकिन सर भाई एक स्पीड पे करना चाहते हैं तो हाँ भगाने में भी देख लेंगे एक बार। 25 किलोमीटर हो चुका है अभी, 40-50 की स्पीड में, मतलब एवरेज जो दे रही है निकाल रही है भाई। और अभी पिस्टन वगैरह बना है ना तो शायद कम एवरेज का मैंने सोचा था कि कम एवरेज ही दे क्योंकि रमेगा अपना पिस्टन वगैरह। और आज मेरे को लग रहा है नेक्स्ट सर्विसिंग बहुत जल्दी होने वाली है मेरी बाइक की भाई, और टैक्सी रुका हुआ मैं भगा भी नहीं पा रहा था अपनी बाइक। और थोड़ा सा खराब मैंने मेरे को बोला था कि भगाना नहीं है अभी, तो अपनी बाइक चलती है 27 किलोमीटर करेक्ट। तो गाइस 29.6 किलोमीटर चल चुकी है अपनी बाइक, मेरी 2012 की गाड़ी 29.9 चल जाएगी, 29.9 चल जाएगी। और आज तो बहुत काफ़ी अच्छा हुआ यार। ये कौन सा तरीका होता है गाइस जबरदस्ती चंदा मांगने का। सो फाइनली गाइस अनबिलीवेबल 30.3 किलोमीटर चल चुकी है अपनी बाइक, और मुझे सही में भरोसा नहीं हो रहा कि मेरी बाइक है ये 2012 मॉडल BS3 मॉडल 30 किलोमीटर कैसे चल सकती है यार, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। फैजान भाई इंजन में कुछ करके दिया है क्या मेरी, लग तो नहीं रहा। अचित का फोन आ रहा है शायद, हर्षित से बात करो। 32 हो गया है एवरीवन, अपनी गाड़ी 35 किलोमीटर चलने वाली है, 300 मीटर बाद 35 किलोमीटर हो जाएगा, और 1 लीटर पेट्रोल में ही अभी तक चल रही है ये गाड़ी। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा रेडबुल मेरी आज 35 किलोमीटर चलने वाली है 1 लीटर के पेट्रोल में। और भाई मेरे को तो यही लगता था कि बहुत ज़्यादा कम एवरेज देने लगी है मेरी बाइक, लेकिन अभी भी अच्छा एवरेज निकाल के मुझे दे रही है मेरी बाइक रेडबुल NS200 BS3। और BS6 का तो अभी 3 मिनट पीछे हुए मेरे से, अपन देख रहे हैं देख बस BS6 और BS3 का भी देखेंगे कितना फाइनल हुआ है। पेट्रोल फिल करेंगे अभी जैसे खत्म होगा, और 35 किलोमीटर चल चुकी है अभी, और करेक्ट 35.1 किलोमीटर। तो चलिए सो एवरीवन 37 किलोमीटर चल चुकी है अपनी बाइक, और अभी भी बंद नहीं हुई है। 38 हो गई है बाइक, 38 किलोमीटर चल चुकी है, और बहुत अच्छा ही प्रदर्शन दिखा चुकी है कि मेरे को हर पल अब लग रहा है कि अब पेट्रोल खत्म हुआ पेट्रोल खत्म हुआ। सो गाइस 39.1 अभी भी चालू करके देखते बैठे रहे, अभी भी चालू हो रही है हो रही हो रही, अब देखते कितना चलती है 39.1 पे। गाइस गाड़ी अभी हल्की स्लो होने पे बंद हो रही है, और देखते कितना और चल सकती है गाड़ी अपनी, फिर भी पेट्रोल डालेंगे और वो अभी चालू रखेंगे यहाँ पर। हर्षित किधर गया, मैं भगाऊंगा मुझे पेट्रोल अपना जल्दी खत्म करना है। तो गाइस अपने उसका जी गाड़ी 40 से एवरीवन 40 किलोमीटर हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो 40 किलोमीटर करेक्ट हो चुके हैं गाड़ी में। और भाई ये बहुत प्राउड वाली बात है, मेरी गाड़ी 2012 की है, और मैंने अभी जैसा कि ब्रेकर चुकाया फिर भी 40 किलोमीटर का भाई एवरेज दे रही है 2012 का मॉडल होते हुए भी, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, और ये प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भाई कि 40 का एवरेज निकाल के मेरी बाइक मेरे को NS BS3 दे रही है। और अभी BS6 को देखते हैं कितना देती है। ये लोग लेट कहाँ जाना चाह रहे हैं,
40.5 किलोमीटर राइट। देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। सर 41 किलोमीटर चल चुकी है अपनी बाइक अभी। इसके बाद आओ तो आप मैं तो कमेंट में पूछ सकती हूँ कहाँ पे है, मैं आपको बता सकता हूँ। 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर हो चुके हैं। 42.2 किलोमीटर पर रच के अब देना चालू हो गई है। 42.3 किलोमीटर गाइस बस अपन यही रोक लेते हैं, अपना बाइक चालू भी नहीं होगी। अपनी गाड़ी अपन हो चुकी है। तो मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म, 42.4 का एवरेज देते हुए अपनी बाइक, और मुझे भरोसा ही नहीं हुआ था कि भाई इतना एवरेज देगी। तो गजान भाई हैं अभी तो नहीं हुआ होगा यार, मेरी 42 चली तो इनकी 3 किलोमीटर पीछे थी, 40 चली गई होगी उनकी 39। 42 का एवरेज भाई 42.4। सो फैजान भाई की गाड़ी 39.1 किलोमीटर चली है, और मेरी गाड़ी का मैं दिखा देता हूँ। और मेरी पेट्रोल डालने से पहले मैं अपनी गाड़ी का दिखा दूँ, मेरी गाड़ी कितनी चल चुकी है और मैं अपनी गाड़ी में कितना पेट्रोल डालने वाला हूँ। 42.4 मेरी चली है, तो मतलब मेरी ज़्यादा एवरेज दे रही है फैजान भाई से कंपेरिजन में। लेकिन उनका FI में इंजन है, ऐसे ऐसे एवरेज देंगी। हाँ और भाई तेज़ भगाने भी फ़र्क पड़ता है। एक नॉर्मल स्पीड भी चल रहे थे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम एक स्पीड पे चल रहे थे, हम तो तेज़ भी भगा रहे थे, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एवरीवन। और अपन इतना पेट्रोल डालने वाले हैं अपनी गाड़ी पे, अपन ने अब पेट्रोल भर दिया है अपनी टंकी में, वापस से रिफिल हो चुका है। डाल दो पेट्रोल। हाँ पेट्रोल तो डाल देना, अब क्या मतलब। अपने इस टकले भाई को देख लो आप लोग। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। NS200 और BS3 का और BS6 का एवरेज अपन ने चेक किया है, और इस वीडियो में जो जो डालेंगे हम लोग वो एकदम जेन्युइन है गाइज। हम लोगों ने कहीं पे भी अपने एक्स्ट्रा पेट्रोल नहीं डाला है किसी भी चीज़ के लिए। और आप लोग देख सकते हो 42.4 किलोमीटर चल चुकी है, जो अनबिलीवेबल है भाई। 2012 का मॉडल है मेरी बाइक और 42 किलोमीटर चल चुकी है। अभी फैजान भाई की बाइक 3 किलोमीटर पीछे थी, तो उसको भी चेक कर लेते हैं प्रॉपर, फिर वो वीडियो हम आपको भी दिखाएंगे। फैजान भाई के चैनल का लिंक डाल देंगे। तो BS6 का भी अपन ने मतलब कंपैरिजन भी हो जाएगा एक तरह से, और एवरेज चेक भी हो जाएगा गाइस। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना, आपकी इससे इज्जत नहीं घट जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।